नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्लोबल वॉरियर। मैं हूं देवराज। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हैदराबाद के दौरे पर जब वो गए तो उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ये कयास लगा जा रहा है कि क्या मिताली राज अब क्रिकेट की पिच के बाद राजनीतिक सियासत की पिच पर किस्मत अजमाने वाली है, क्योंकि मिताली राज ने इससे पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। जब जेपी नड्डा हैदराबाद गए थे तो उन्होंने मिताली राज से मुलाकात कर और तस्वीर शेयर की थी। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्थापित करना चाहती है, क्योंकि साउथ में तेलंगाना हैदराबाद में बीजेपी का ज़्यादा अस्तित्व नहीं है और पूरे तेलंगाना में एकमात्र भाजपा के विधायक है। ऐसे में बीजेपी वहाँ पर अपनी सियासत की पिच को मजबूत करना चाहती है और उन्हें से दमदार चेहरों की तलाश है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात से ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या मिताली राज अब भाजपा में आएगी। निश्चित तौर पर एक महीने के अंदर दो बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करने पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी दक्षिण भारत में अपनी जमीन को मजबूत करना चाहती है। और मिताली राज महिला भारतीय क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है, हाल ही में उन्होंने संन्यास भी लिया है क्रिकेट से। ऐसे में मिताली राज संभवतः राजनीति में आ सकती है, क्योंकि पूर्व में भी पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर राजनीति में आए और बीजेपी में एक सफल राजनेता के रूप में उभर भी रहे हैं। ऐसे में मिताली राज अगर बीजेपी को मिल जाती है या बीजेपी में शामिल हो जाती है तो बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और दक्षिण भारत में अपने आप में पैर पसारने में। साथ ही मिताली राज महिला और खासकर खिलाड़ियों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है, तो उसका भी फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अभी सिर्फ एक कयास लगाया जा रहा है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि मिताली राज बीजेपी में आएगी या नहीं, लेकिन इस मुलाकातों से ऐसा लगता है। आपकी क्या राय? दीजिए अपना फीडबैक।